हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ए वीडियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड दूसरा पार्ट है। दोस्तों, मैं बीपीएससी टीजीटी 2023 जो जल्द ही एग्जाम होने वाला है, जिसका मैं प्रिपरेशन चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को डिटेल में बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए एमसीक्यू के माध्यम से प्रिपरेशन करा रही हूँ। जो डेली बेसिस पे आप सभी जुड़ जाइए मेरे साथ और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और यह केवल बीपीएससी टीजीटी वाले ही नहीं, जितने ही फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग इसे देखें और अपना प्रिपरेशन करें। एंड चाहे KVS NVS का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे TGT PGT का, UPLT का, UKLT का, EMRS का, चाहे UGC नेट का, सभी के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर के सभी चीज़ों को, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस के तरफ। क्वेश्चंस हैं, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द हार्ट इज रिलेटेड टू बाय फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी विद नॉर्मल फिजिकल स्टेमिना। तो इन सभी चीजों से यह रिलेटेड होती है, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी से यहाँ पे राइट होगा। क्योंकि जैसे कि श्वसन तंत्र सभी विकल्प जो है हृदय की श्वसन क्षमता से संबंधित है, श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारे श्वसन तंत्र की सहनशीलता यानी एंड्योरेंस एनहेंस होती है, बढ़ती है। एंड हृदय की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, रक्त वाहिकाओं की लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है एंड रक्त में कोलेस्ट्रॉल का गाढ़ापन कम होता है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ती है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल घटती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण वायु कौन है? तो दोस्तों, हु इज प्राण वायु? तो प्राण वायु ऑक्सीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। यानी कि जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है, इसे वे श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन या प्राण वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। सामान्य श्वसन द्वारा जितनी वायु हम अपने फेफड़ों में ले जाते हैं उसे प्राण वायु कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? Which device is used to measure the heartbeat rate of an athlete in the sports field? यानी खेल मैदान में एक एथलीट के हृदय के धड़कन की माप किस उपकरण से किए करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पायरोमीटर जो होता है, स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? फेफड़े की श्वसन क्षमता, जीवन धारिता मापा जाता है। और आपका स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अब आपका ऑप्शन बचा रेडियो टेलीमेट्री, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेडियो टेलीमेट्री के द्वारा खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, व्हाट इज द टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग्स? यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है कितना होती है? तो टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी 4600 ml होता है यानी कि 4.6 लीटर। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है? 4.6 लीटर प्लस रेसिड्यूल एयर यानी कि जो अवशिष्ट वायु होती है जो पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है उसे रेसिड्यूल एयर यानी अवशिष्ट वायु कहते हैं। इसकी मात्रा होती है 1200 ml यानी कि 1.2
लीटर, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो 5.8 लीटर, कितना हो जाएगा 5.8 लीटर, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों की कुल वायु धारक क्षमता हो जाएगी 5.8 लीटर, यानी कि 5.8 लीटर या 5800 ml इसको बोल सकते हैं। एंड वाटर कैपेसिटी पूछेगा तो 4600 ml यानी कि 4.6 लीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है, वेयर इज द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध कहाँ पे होता है, तो आप सबको पता है यह फेफड़ों में होता है, कहाँ पे होता है, इन द लंग्स यानी कि फेफड़ों में, यानी कि फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करना, जब तक फेफड़ों से होकर गुजरता है तब रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो है वायु से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रक्त लाल हो जाता है, अर्थात CO2 युक्त रक्त फेफड़ों में आ जाती है और ऑक्सीजन जो है रक्त के हीमोग्लोबिन में चला जाता है, इस प्रकार जो है रक्त जो है अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है, विच प्लेयर हैड द हाईएस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, तो हाईएस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस किस में होता है, जितने भी इसमें दिया हुआ है, धावक में भी होता है, तैराक में भी होता है, मैराथन धावक में भी होता है, बट सबसे ज्यादा इसमें कौन होगा सभी ऑप्शन में, तो एंडोरेंस वाले जो लंबे समय की क्रिया, जितनी ज्यादा लंबे समय की क्रिया होगी उतना ही ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होगा यानी सहनशीलता होगी, तो यहाँ पे मैराथन रनर यानी कि मैराथन धावक में सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होगी। हृदय रक्त कोशिका एवं फेफड़ों में ऑक्सीजन के प्रवाह की योग्यता को कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कहते हैं, जितनी शरीर जितनी अधिक मात्रा में O2 ग्रहण करने और प्रयोग करने में के योग्य होगा उतना ही अधिक कार्य करने में समर्थ होगा, हृदय और धमनियों की क्षमता का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हृदय रक्त प्रवाह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हाउ मेनी टाइम्स डज अवर हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आप सबको पता है, रटे रटाए हुए हैं 72 बार, लेकिन यहाँ पे राइट क्या होगा, 72 से 75 बार प्रति मिनट, ठीक है, 72 से 75 टाइम्स पर मिनट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग, तो बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिसे हम कहते हैं कंठ, लैरिंग्स, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, इसे हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र, क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही माप लेना चाहिए, इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट शुड बी टेकन, तो कब लेना चाहिए, एट द एंड ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए वक्ष का माप, सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई लगभग होती है, द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इन एन एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितना होता है ट्रेकिया की, यानी कि श्वास नली जो होती है उसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, यानी श्वास नली के माध्यम से ही हवा यानी वायु जाता है फिर दोनों फेफड़ों में पहुंचता है, तो ट्रेकिया की लंबाई होती है श्वास नली की, एक पाइप के समान होता है
10 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ट्रेकिया की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20 या 21% होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो सांस छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। When inhaling, the amount of oxygen in the air is 20%. Then, what is the amount of oxygen in the air that comes out when exhaling? तो जब इनहेल करते हैं तो यानी जो हम सांस लेते हैं तो 20 से 21% जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस बाहर निकालते हैं तो कितना बाहर आता है, तो वो आता है 16%। ठीक है, 16%, यानी जाता है 21%, आता है 16%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%, वो आता है 4.04%। और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, 78% जाता है श्वास लेते समय, और निकलते समय भी 78% पूरा निकल जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? हाउ मेनी टाइम्स डज ए हेल्दी एडल्ट पर्सन ब्रेथ इन वन मिनट? तो कितनी बार लेता है? 16 से 20 बार। कितनी बार लेता है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य आराम स्थिति में? 16 से 20 टाइम्स यानी 20 बार होता है, जबकि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी या प्रशिक्षित व्यक्ति जो है 8 से 10 बार श्वास लेता है। श्वास जितनी धीमी रहेगा आपका, आप उतना ही कोई भी कार्य देर तक कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। The least amount of oxygen reaches in hypoxia. तो हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है इन द टीशू, यानी कि टीशू में। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है टीशू में, यानी शरीर में उत्तकों में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा के कम होने की स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वसन केंद्र यहाँ स्थित है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड हियर। तो श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है मेडुला अब्लांगेटा। कहाँ पे स्थित है? मेडुला अब्लांगेटा। यही सभी अनैच्छिक क्रियाओं का एक केंद्र होता है दोस्तों, मेडुला अब्लांगेटा, जिसके माध्यम से जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वह संचालित होती हैं। किसके माध्यम से? मेडुला अब्लांगेटा के माध्यम से। यहीं पे सभी संवेदी और गतिज नाड़ियां गुजरती हैं, जो सेंसरी नर्व होती है एंड मोटर नर्व होती है। सेंसरी नर्व जो होता है हमारे सभी संवेदी अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क यानी ब्रेन की तरफ जाती हैं, और मोटर नर्व वहां से संदेश को लेकर के हमारे कार्यकारी अंगों यानी कि मसल्स की ओर आती हैं। तो यहीं से परिवर्तित होकर आती हैं, यानी कि मेडुला अब्लांगेटा से परिवर्तित होकर आती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन का केंद्र कहाँ पे होता है? मेडुला अब्लांगेटा पे, जो हृदय तथा फेफड़ों को क्या करती है? नियंत्रित करती हैं। तो हृदय और फेफड़ों दोनों का नियंत्रक केंद्र कहाँ पे स्थित है? मेडुला अब्लांगेटा से, याद रखिएगा। मेडुला के जख्मी होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पीछे आपका स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मध्य मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क में आपका जो अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस थैलेमस आता है। मध्य मस्तिष्क में क्वाड्रिजेमिना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड मध्य मस्तिष्क में आता है आपका सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला अब्लांगेटा। उसके बाद आपका स्पाइनल कार्ड आ जाता है, जो हमारे मस्तिष्क के अंतिम भाग से लेकर हिप के अंतिम यानी कॉक्सिजियल रीढ़ के अंतिम हड्डी तक जाता है। तो यह श्वसन तंत्र
और हृदय दोनों का नियंत्रक केंद्र होता है। और यहाँ पे जब चोट लग जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। हृदय तथा फेफड़ों की धड़कन तथा श्वसन बंद हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। हृदय और फेफड़ों दोनों को नियंत्रित कौन कर रहा है? मेडुला अब्लांगेटा, यानी कि मेडुला अब्लांगेटा जो है उन जैविक क्रियाओं यानी वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, डाइजेशन, इन सभी चीजों को अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला अब्लांगेटा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद है। स्ट्रोक आयतन और हृदय गति का उत्पाद क्या कहलाता है दोस्तों? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो हमारा हृदय जो है, बाएं नीलय जो है, एक बार में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि हृदय एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग होता है 70। कितना होता है? 70। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। अब तथा गुणे हृदय गति, हार्ट रेट कितना होता है? 72। दोनों में गुणा करेंगे तो 5.04 आएगा, यानी कि 5.04 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। तो याद रखिएगा, कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों का कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना है? हमारे फेफड़ों का कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना है? आपको बताना है औसत पृष्ठ विस्तार कितना है। तो इसका सही जवाब होगा, व्हाट इज द टोटल एवरेज सरफेस एरिया ऑफ आवर लंग्स? तो इसका सही जवाब है 75 स्क्वायर मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट इज टेकन इन एंड आउट इन ईच रिस्पिरेटरी प्रोसेस, तो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसे? जो सामान्य श्वास के द्वारा हम वायु को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वायु की क्षमता, टाइडल विंड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि टाइडल वाली वह क्षमता मात्रा होती है जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ले जाई जाती है। टाइडल वायु की क्षमता, वायु की वह क्षमता होती है जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जा सकती है। समानता इसकी मात्रा 500 से 800 ml होती है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से इसकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है? बाय हुम आर द लोब्स ऑफ द लंग्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब? तो दोस्तों जैसे कि किसके द्वारा, जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया है, क्या है? एक पाइप के रूप में आ रहा है। यहाँ पे आते आते ये आपका बाएं तरफ दो भागों में बट गया, दाएं तरफ तीन भागों में और बाएं तरफ दो भागों में बट गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकिया है, क्या है? ट्रैकिया। ये आपका हो जाएगा ब्रांची, फिर इससे भी अलग अलग शाखाएं निकलेंगी। ये दायां फेफड़ा हो गया, बायां फेफड़ा, फिर आगे शाखाएं जा जा करके एक गुच्छा के रूप में बना देंगी। यही होता है आपका एल्वेलाई, क्या हो जाएगा? एल्वेलाई, एक गुच्छा के रूप में एल्वेलाई हो जाएगा, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वेलाई में। तो जो ये ट्रैकिया है कहाँ पे जा करके दो भागों में बांटती है?
कौन बांटता है, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है, तो यह इसका सही जवाब होगा क्या। तो ये जो श्वास नली है, ट्रेकिया है, जा करके दो भागों में बढ़ती है, उसे हम कहते हैं श्वसनी यानी कि ब्रांचेस, और वो भी कई भागों में छोटे छोटे पतले भागों में बढ़ जाती है, तो ब्रांचियोलिस। वो भी ब्रांचियोलिस बहुत पतले पतले धागों में बढ़ करके गोलाकार बन जाती है और एक स्तर, पतला सा स्तर बनाती है, उसे कहते हैं एल्वेलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसनी यानी कि ब्रांचेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन पर मिनट इज कॉल्ड, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं श्वास मिनट आयतन, श्वास मिनट आयतन यानी कि रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वास मिनट आयतन यानी रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, जबकि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी, अभ्यस्त खिलाड़ी होता है 8 से 10 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए समय में समाप्त हो चुके CO2 के आयतन और खपत हुए O2 के आयतन का अनुपात कहलाता है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सपायर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन ए गिवेन टाइम इन कॉल्ड, यानी कि उत्सर्जित की गई CO2 यानी कि CO2 को कितना उत्सर्जित किया गया और अपान उपयोग की गई O2, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है उत्सर्जित की गई, बाहर निकाली गई CO2 एंड उपयोग की गई यानी अंदर गई आपका O2, दोनों का अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं श्वसन लब्धि यानी रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट। यह क्या होता है, उत्सर्जित CO2 यानी बाहर निकाले गए CO2 का और उपयोग में लाए गए जो अंदर गई ऑक्सीजन, उन का अनुपात ही RQ कहते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट कहा जाता है, श्वसन लब्धि। जिसमें से ग्लूकोज का RQ यानी कि श्वसन लब्धि 1 होता है, वसा और प्रोटीन का 1 से कम होता है, कार्बोनिक अम्ल का 1 से अधिक होता है, लगभग 4। अनाक्सी श्वसन के दौरान RQ का मान अनंत होता है। एंड दोस्तों, ये था आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों और साथियों से शेयर कीजिए दोस्तों, जैसे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी डाउट होगा बताइए और डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।